दोस्तों बीटीएस आज वर्ल्ड वाइड स्टार बन चुके हैं और इसके लिए सारे बीटीएस मेंबर्स ने अनबिलीवेबल एफर्ट्स के साथ मेहनत करा है। इसके साथ ही दोस्तों बीटीएस ने काफी बार अपने ट्रेनी डेज और डिफिकल्ट टाइम के बारे में बताया है और उस वक्त उनका बस एक ही ड्रीम था एज अ आइडल डेब्यू करना और इस ड्रीम को उन सभी ने अचीव किया। इसके साथ ही दोस्तों एक बार बीटीएस मेंबर सुगा ने अपने बकेट लिस्ट को रिवील करा था कि वो फ्यूचर में क्या चाहते हैं। दोस्तों 2015 के एक इंटरव्यू में फैंस के बकेट लिस्ट के बारे में जानना चाहती थी क्योंकि ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी और इसलिए भी क्योंकि सुगा हमेशा ही शांत रहते हैं और ज्यादा कुछ किसी से जल्दी शेयर नहीं करते। सुगा ने बताया था कि प्रोड्यूसर मीन उनका फेवरेट निकनेम है और वो चाहते हैं कि इन फ्यूचर लोग उन्हें इस नाम से भी जाने। इसके साथ ही दोस्तों सुगा ने अपने बकेट लिस्ट की तीन चीजों को बोला था जो कि उन्होंने केवल 3 से 4 सालों के अंदर ही अचीव कर लिया था। दोस्तों एक नॉर्मल पीपल जब अपने बकेट लिस्ट को सेट करता है तो उन्हें लाइफ टाइम लग जाती है अपने सारे गोल्स को अचीव करने में, पर सुगा ने बहुत ही कम टाइम के अंदर अपने बकेट लिस्ट को अचीव कर लिया था। दोस्तों सुगा की बकेट लिस्ट की वो तीन चीजें थी अपने खुद का घर खरीदना, अपने खुद का स्टूडियो बनाना और वर्ल्ड टूर करना, जो कि उन्होंने 2015 में रिवील करा था और उन्होंने अपने एक गोल को तो जस्ट 1 साल के अंदर ही पूरा कर लिया था। दोस्तों 2016 में सुगा ने अपने मिक्स टेप ऑगस्ट डी को खुद के प्राइवेट स्टूडियो में प्रोड्यूस करा था और इसके जस्ट 2 सालों के बाद ही दोस्तों सुगा ने अपने सेकंड बकेट लिस्ट को भी पूरा कर लिया था जब उन्होंने 2018 में अपने खुद के घर को खरीदा था अन विलेज हन्नम दोंग में। इसके साथ ही उनका बस एक ही बकेट लिस्ट बच गया था अलग अलग कंट्रीज में घूमने का और वो भी उन्होंने पूरा कर ही लिया। बीटीएस काफी सारी कंट्रीज में गई कॉन्सर्ट्स के लिए, म्यूजिक वीडियो फिल्मिंग के लिए, टॉक शोज के लिए और उन्होंने अपना वर्ल्ड टूर भी करा और इसके साथ ही सुगा का तीनों बकेट लिस्ट भी पूरा हो गया। तो दोस्तों सुगा ने अपने ड्रीम्स को बहुत ही जल्दी अचीव कर लिया। इसके साथ ही जब सुगा से फिर से उनके ड्रीम के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जितने भी ड्रीम सोचे थे वो सभी पूरे हो चुके हैं और अभी कोई भी स्पेसिफिक गोल उनके पास नहीं है। इसके साथ ही सुगा ने कहा कि वो बहुत ही ज्यादा थैंकफुल हैं क्योंकि उन्होंने कुछ भी बहुत ही इजीली अचीव नहीं करा है बल्कि उसके लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करी थी और उन्होंने मेहनत करना आज भी नहीं छोड़ा है। तो दोस्तों सुगा की बकेट लिस्ट में ये तीन चीजें थी, बाकी आपकी बकेट लिस्ट में क्या क्या है हमें कमेंट कर जरूरी बताइएगा। तो ये थी आज की वीडियो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर ले जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे।